Hey guys, welcome to my YouTube channel Proud to Indian. In this video, I will review one of the important college under WBJ, that is Future Institute of Engineering and Management. Okay, so in this video, I will review college that is Future Institute of Engineering and Management. Okay, so first of all, guys, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon, because you will get all college review and all WBJ related information on a single channel, that is Proud to Indian. तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं. ओके, सो आई केम टू द फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वेबसाइट. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ. ओके, नाउ लेट अस टेक समथिंग अबाउट द फ्यूचर एजुकेशन और ये कॉलेज. सो बेसिकली ये कॉलेज कोलकाता में है. ओके, सो एक्चुअली दिस इज ए कॉलेज सिचुएटेड इन द कोलकाता एंड इट इज इस्टेब्लिश इन 2001 एंड इट इज़ ऑल्सो एफिलिएटेड टू मकाउट एंड रिकॉग्नाइज बाई AICTC. सो देर इज नो एनी मीन्स इट हैव फुल एक्रेडिबिलिटी. ओके, तो एक्रेडिबिलिटी में इसका मीन्स पूरा है. ओके, पर यू कैन लुक सम गोल ऑफ द फ्यूचर इंस्टीट्यूट दैट फ्यूचर एजुकेशन इज एन आउटकम ड्राइव एंड क्लस्टर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड आउटकम इज बिकमिंग इकोलॉजी ऑफ सोसाइटली वैलिड या रियलिटी एंकर्ड वैल्यू ड्राइवन स्टूडेंट. ओके, सो दे आर talking that they have several alumni on the international tour, just such as USA, Canada, Europe. तो ये अपने वो कॉलेज के बारे में बता रहे. ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लाइब्रेरीज. सो वाट इज एक्चुअली अबाउट द लाइब्रेरीज. सो दिस कॉलेज हैव अ गुड लाइब्रेरीज फैसिलिटीज. ओके, इट इज सेंट्रल लाइब्रेरी हैव अ स्पेसियस 8,000 स्क्वायर फीट डेडिकेटेड फ्लोर विद ऑनलाइन एक्सेस थ्रू लिब्जेस. सो लिब्जेस का वीडियो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लिब्जेस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके मीन्स दैट बेसिकली हैंडल द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज. ओके, सो इट हैव अ गुड नंबर ऑफ बुक. ओके, तो बुक वगैरह आपको में कोई दिक्कत नहीं होगा एंड ऑल्सो हैव अ नेशनल जनरल इंक्लूडिंग ई जनरल एंड अदर थिंग्स. टॉकिंग अबाउट द फैकल्टीज, दैट मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर द PhD डिग्री होल्डर. ओके, सो यू विल गेट अ गुड फैकल्टी. ओके, तो आपको एक मीन्स निपुण और एक अच्छे फैकल्टीज आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेंगे. ओके, सो टॉकिंग समथिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने कॉलेज में मीन्स शायद 1 ईयर पहले इसमें विजिट किया था, तो कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके, कैंपस आप देख सकते हैं हैव अ 5 एकर ऑफ लैंड, तो कैंपस भी आपको ठीक ठाक मिलेगा. ओके, यू विल गेट अ कैंपस टाइप ऑफ हैप्पीनेस. ओके, एंड ऑल्सो हैव अ स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, 3 AC ऑडिटोरियम विद, तो आप समझ सकते हैं तीन ऑडिटोरियम. ओके, विद 100, 300 and 850 सीटर कैपेसिटी, समझ सकते हैं इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कैंपस होगा. तो यू विल इंजॉय कैंपस लाइफ. ओके, हैव अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग बस, मिनी बस, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी है इसमें. ओके, ऑल्सो ट्रेन एंड मेट्रो रेल आर इजली एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि भाई मैंने बताया था ये कॉलेज जो कोलकाता में सिचुएटेड. ओके, सो दीज हैव मीन्स नो एनी इशू अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड अदर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज, सो दिस कॉलेज ऑफर मीन्स वेरियस कोर्सेज, BTEC, MBA, MCA, BSc इन मेडिकल साइंस. सो आई विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द BTEC. हम इसको BTEC का मीन्स फोकस करें. ओके, सो जान लेते हैं कि BTEC में कौन कौन सा ब्रांचेज अवेलेबल है. सो विच आर द ब्रांचेज दैट अवेलेबल अंडर BTEC. सो यू कैन सी हेयर दैट CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकेंड ऑल्सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस. ओके, मीन्स बेसिकली स्पेशलाइजेशन EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. ओके, सो दीज आर द कोर्सेज दे प्रोवाइड. ओके, ऑल्सो यू कैन हैव अ लुक हेयर दैट वी प्रोवाइड BTEC इन स्पेशलाइजेशन सच AI, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ओके, सो दे ऑल्सो मीन्स हैव अ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द कोर्सेज दे प्रोवाइड. ओके, यू कैन ऑल्सो लुक हेयर द कैंपस मीन्स कॉलेज. ओके, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ गुड कॉलेज. ओके, सो नाउ मूविंग टू अवर द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द एडमिशन. हाउ विल यू गेट एडमिशन? इन एवरी वीडियो आई टेल यू दैट टू गेट यू इन दिस कॉलेज यू मस्ट हैव अ वैलिड WBJ रैंक. ओके, यू मस्ट हैव अ वैलिड WBJ रैंक एंड हैव अ मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 10th एंड 12th दैट यू नो. ओके, सो आई नो नीड टू मीन्स डिस्कस इन एक्सप्लोर वे. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
and that is the about the placement. So what is the placement scenario of this college? So placement is good in this college, okay? Placement is good and especially good for the CSE and IT department. So this college have almost 90% placement, okay? Means 85% to 90% placement in CSE and IT, and in core branches as much as other college, this have also means demerit in core branches, that only 60% to 70% student got placed, okay? Means core branches, I am talking about the सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब में जो है भाई कोर ब्रांचेज का, हर एक कॉलेज का मैंने बताया कि बंगाल का लगभग हर एक कॉलेज में कोर ब्रांचेज में कम प्लेसमेंट होता है. बट या इफ़ यू हैव पोटेंशियल देन यू विल गेट प्लेसमेंट. आपको सोचने नहीं है आपका कौन सा डिपार्टमेंट मिला, ओके? आपके पास अगर पोटेंशियल तो कोई भी ब्रांच है, यू विल गेट गुड प्लेसमेंट एज वेल एज कैंप एज वेल एज सी टी सी, ओके? सो बात करूँ कि आपका एवरेज सी टी सी, व्हाट इज़ द एवरेज सी टी ऑफ दिस कॉलेज? सो एवरेज सिटी ऑफ दिस सी टी सी ऑफ दिस कॉलेज इज 4.1 lakh, ओके? सो इट इज़ गुड फॉर अ मीन्स एवरी लेवल कॉलेज, ओके? क्योंकि आई आई टी तो नहीं भाई कि जो आपको 25 lakh 15 lakh देगा. फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. तो इफ़ यू हैव पोटेंशियल देन यू विल गेट दैट नॉट, बट या यू मीन्स यू विल गेट एवरेज पैकेज, दैट्स फाइन. ऑल्सो यू कैन हैव अ लुक दैट वाट आर द कंपनी दैट विजिटेड हियर, कॉग्निजेंट, विप्रो, कैपजीमिनी, टी सी एस दैट इज मास रिक्रूटर, वो भी आता रहता है. एच पी का बहुत कम मीन्स आते हैं, लेकिन कम ही आते, ओके? इन्फोसिस हैव अ गुड नंबर ऑफ प्लेसमेंट, ओके? ऑल्सो हैव सेड द कॉग्निजेंट, बायजूस, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीवो, अमेजन, इंडस्टलैंड, इन्फोसिस, ओके? सो दीज आर ऑल द कंपनी दैट विजिट. तो यू कैन हैव अ लुक और बहुत ही नंबर ऑफ कंपनी, ओके? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द कट ऑफ. बिकॉज कट ऑफ इज इम्पॉर्टेंट. इफ यू डोंट हैव एनी वैलिड कट ऑफ और देन यू कॉन्ट इंटर इन दिस कॉलेज. इन दिस कॉलेज क्या, एनी कॉलेज यू कॉन्ट इंटर दिस विदाउट द अप्रोप्रिएट कट ऑफ. तो कट ऑफ का बात करें तो सो फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यू इफ यू हैव अ डब्ल्यू बी जे रैंक 29,228 देन यू कैन गेट दिस कॉलेज, ओके? एंड दिस ईयर, इस साल में हो सकता है भाई कि अगर 500 या 400 और है आपका मीन्स एक्स्ट्रा भी है तो देन यू मे गेट दिस कॉलेज, ओके? सो देर आर मेनी स्टूडेंट हु आज आस्किंग दैट भैया कौन सा कॉलेज, अगर मेरा रैंक कम है तो मैं चाहता हूँ सी एस सी आई टी, देन बीच कॉलेज शुड आई प्रीफर, देन आई सजेस्ट यू दिस कॉलेज, ओके? यू कैन चूज दिस कॉलेज बिकॉज दिस हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज, ओके? सो एंड ऑल्सो हैव अ गुड नंबर ऑफ प्लेसमेंट, सो दिस मे बी योर गुड ऑप्शन, ओके? फॉर टॉकिंग अबाउट द आई टी, देन इफ यू हैव अप टू 39,000 रैंक एंड देन यू कैन मीन्स एड जस्ट 1,000, दैट इफ यू हैव 40 to 41,000 रैंक देन यू कैन गेट आई टी इन दिस कॉलेज. सिमिलरली फॉर ई सी, इफ यू हैव अ 60,000 रैंक देन यू कैन गेट, ओके? देन आपको और अदर मीन्स कोर ब्रांचेज में आए तो और कटअप बढ़ रहा है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अबाउट 62,000 आपका रैंक हो जाएगा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू कैन गेट इन अप टू 70,000, ओके? सॉरी दोस्तों, 57,000, ओके? सो दीज आर ऑल अबाउट द कट ऑफ सिनेरियो ऑफ द फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके? नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज व्हाट इज द फी ऑफ दिस कॉलेज, ओके? सो फॉर द फर्स्ट ईयर यू हैव टू पे 1.24 lakh, क्योंकि भाई ये कॉलेज सिटी में लोकेटेड है, कोलकाता सिटी में. सो थोड़ा कॉलेज तो महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं बट या एवरेज है, ओके? सो वन यू हैव टू पे 1.24 lakh फॉर फर्स्ट ईयर एंड ऑल टाइप ऑफ मीन्स होल फोर ईयर कट फी आई विल बी गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके? सो यू कैन चेक आउट देयर, ओके? सो व्हाट इज द माई फाइनल ओपिनियन अबाउट दिस कॉलेज? माई फाइनल ओपिनियन इज दैट या इफ यू हैव अ मीन्स लो रैंक एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड कॉलेज, देन दिस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ओके? सो आप ये कॉलेज को चूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉलेज. आई होप आई क्लियर ऑल योर डाउट. देन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वेयर आई सपोर्ट, वेयर आई एम करेंटली सपोर्टिंग मेनी ऑफ द स्टूडेंट हु हैव गिवन डब्ल्यू बी जेई, ओके? सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. इफ यू टॉक टू मी पर्सनली देन यू कैन ऑल्सो चेक माई इंस्टाग्राम, दैट इज माई इंस्टाग्राम आई डी इज 3_Sriram, ओके? सो यू कैन चेक माई और आई विल गिव दैट
in your description box too. Okay. So this is all about this college. I hope you get the information about this college and your all doubt is clear. So till then, bye bye. Milte hain next video mein. Jai Hind.